सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, रैंसमवेयर या वानाक्राई नाम आपने काफी न्यूज़पेपर्स में सुना होगा और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है जिसने आज हजारों कंप्यूटर में, आईटी सेक्टर्स में या किसी भी कंपनीज में तहलका मचा रखा है और कई देशों में हलचल मचा रखी। क्या है रैंसमवेयर, क्या है वानाक्राई, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सत्यम तिवारी, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईक्यू डेवलपर। दोस्तों, अगर हम बात करें रैंसमवेयर की, रैंसमवेयर एक वॉर्म है, लेकिन उससे पहले कि आप जानें रैंसमवेयर क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं यहाँ पर वॉर्म के बारे में, क्या होता है वायरस, क्या होता है ट्रोजन हॉर्स, क्या होता है। ये तीनों ही एक मलेशियस कोड से मलेशियस प्रोग्राम है। डिफरेंसेस एक एक दो दो लाइन के डिफरेंसेस मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दूं तो वायरस एक तरह का, ये वायरस को अगर हम कर देते, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। एग्जीक्यूटेबल मतलब है कि जब तक इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये आगे प्रोपगेट नहीं होगा, ये अपना असर नहीं दिखाएगा। हालांकि वॉर्म की अगर बात करें तो इसके लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है स्पेशली कि आप उसके ऊपर क्लिक जाके करें। दूसरा, जो अगर ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं, ट्रोजन हॉर्स जो टर्म है वो लिया गया, अगर आपने ट्राय मूवी देखी, ट्राय मूवी में क्या है, ट्राय एक बड़ा सा घोड़ा था जिसके अंदर जो सैनिक थे वो सारे छुप के गए थे। सो सेम इसी तरह से ट्रोजन हॉर्स होता है, एक कोई भी आपको दूसरी चीज दिखाई जाती है और उसके बदले में वो छुप के आपके ऊपर सिस्टम में आपके अटैक करता है। दूसरी डिफ्रेंशिएशन अगर हम बात करें तो जो आपका वायरस है वो अपने आप रेप्लिकेट होता है, वॉर्म भी अपने आप रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्स अपने आप रेप्लिकेट नहीं होता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन तीनों के बीच में जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब आइए चलते हैं, हम बात करते हैं रैंसमवेयर जो रिसेंटली काफी तहलका मचा रखा है। उसने रैंसम, अगर आप सिंपली टर्मोलॉजी को डिफरेंशिएट करें तो काफी कुछ मीनिंग यहाँ से निकल के चली जाती है। रैंसम मीन्स हो गया फिरौती मांगी जाती है। एक टाइप का ये वॉर्म है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप फाइलों के माध्यम से एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक, इसका जो नाम है फिरौती, अगर किसी तरह का वॉर्म आपके सिस्टम में इंसर्ट कर दिया जाए और आपसे पैसे मांगे जाए उसके बदले में, या कोई वर्क आपको करने को कहा जाए उसके बदले में, तो उसी को रैंसमवेयर कहा गया है। यहाँ पर एक नया जो रिसेंटली अभी फ्राइडे को न्यूज आई, वानाक्राई नाम के एक बॉम्ब ने इन्फेक्ट किया 1000 कंप्यूटर्स को, कई बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्फेक्ट किया, उनके जो सिक्योर डाटा थे उनको लॉक कर दिया। तो ये करता क्या है, वानाक्राई करता क्या है कि ये जिस कंप्यूटर में आता है वहाँ पर वो जो फाइलें हैं उनको लॉक कर देता है, उनको इनक्रिप्ट कर देगा, उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा। अब अगर आपको उन पासवर्ड्स को खोलना है, उस फाइल्स को खोलना है, अपने डाटा को एक्सेस करना है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ हैकर्स को कुछ मनी देनी होगी, डॉलर्स के फॉर्म में, रुपए के फॉर्म में, लेकिन मोस्ट रिसेंटली अभी जो वानाक्राई है उसमें उनको देना पड़ता है बिटकॉइन के फॉर्म में। तो बिटकॉइन क्या है इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम में, तो आप बिटकॉइन भी वहां से देख लें, उसका लिंक भी मैं यहाँ दे दूंगा। तो ये वानाक्राई ऐसा एक सॉफ्टवेयर, अभी देखिए आप इमेज जो यहाँ दिख रही है उसमें ऐसी एक इमेज बन के आ जाती है कि आपके प्रोटेक्टेड फाइल हो गई, आपकी फाइल लॉक हो गई है और आपको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कुछ अमाउंट बिटकॉइन के फॉर्म में हमको दिए तो हम आपको एक की दे देंगे और जिससे आप अपनी फाइल को अनलॉक कर देंगे। तो की अगर आप पैसे दे भी देते हैं तो मोस्ट हो सकता है कि आपको वो की नहीं भी दें, हो सकता है कि दे भी दें, आपको फाइल एक्सेस भी करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जैसे आप पैसे देंगे तो वो और पैसे की डिमांड कर लेते हैं और की वो आपको नहीं मिल पाती है। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, एक्चुअली ये जो शुरुआत हुई है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की है। उसने एक वल्नरेबिलिटी विंडो के अंदर थी, वहां पर उसने एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और इशू को एक शैडो ब्रोकर नाम के हैकर्स ग्रुप था जिन्होंने स्टोल किया, चुरा लिया उनसे, और इस टाइप का ये कोड, इन्होंने वानाक्राई नाम का कोड को ये लॉन्च कर दिया जिससे इसने कई कंप्यूटर्स के, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर और कई अफेक्ट किया, मोस्टली यूरोप और यहाँ के अमेरिकन कंप्यूटर्स अटैक। एशियन कंप्यूटर उस टाइम अटैक नहीं थे क्योंकि सैटरडे और संडे का दिन था, कंप्यूटर बंद थे, मंडे को अटैक आने शुरू थे, यानी आज के दिन में ये अटैक अभी क्या एशिया में है वो एक आप समझ सकते हो लैंडमाइन है कि तैयार बैठा हुआ है, जैसे आपने नेटवर्क वहां पर क्लिक किया, फाइल्स के ऊपर क्लिक किया, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इस टाइप के मलेशियस सॉफ्टवेयर या
जिस टाइप के ये वर्म्स हैं, वायरस है, ट्रोजन है, उनसे हम बच सकते हैं, उसी उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। देखिए, सबसे आसान तरीका होता है कि इनसे बचने का तरीका है कि एक आप हार्ड डिस्क कर लीजिए, 1 TB के एक हार्ड डिस्क कर लीजिए, और रेगुलरली अपने जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, उनका बैकअप ले, एक दिन पे शेड्यूल बना ले, एक दिन पे बैकअप ले, 2 दिन पे देख ले, 3 दिन के अंतर पे एक बैकअप ले ले, और जैसे ही बैकअप ले उनको आप डिटैच कर दें, और जब बैकअप लें तो उस टाइम अपने लैपटॉप को नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट ना करें, तो इससे ये होगा कि आपका जो हार्ड ड्राइव है वो सेफ रहेगी। ऐसा ना हो कि कहीं आप हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क के थ्रू तो वो भी इनक्रिप्ट हो जाए, तो ऐसा वहाँ भी वो भी आपकी वायरस वहाँ भी इन्फेक्ट कर ले, तो उसको नेटवर्क से डिसकनेक्ट करके अपना बैकअप लीजिए। दूसरा चीज़, कोई एक एंटीवायरस पेड आप ला लें, फ्री एंटीवायरस के चक्कर में ना पड़े, पेड वाला एंटीवायरस ला लें। पेड एंटीवायरस से क्या होता है, रेगुलर आपको अपडेट मिलती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट होते रहते हैं, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, जिससे आपके जो सिस्टम है वो वायरस प्रूफ बना रहेगा। दूसरा, फायरवॉल जो होता है विंडो में है उसको एक्टिवेट रखें, उसको इंस्टॉल करके रखें, एक्टिवेट करके। दूसरा, थर्ड बात करते हैं अगर हम, तो ऑफिस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसे माइक्रो एक होता है ऑप्शन होता है, अगर आप देख लें माइक्रो ऑप्शन ऑन है तो उसको ऑफ कर दें, क्योंकि वॉर्म्स मोस्ट प्रॉब्ली उसी के थ्रू प्रोपेगेट करता है। चौथी बात करें, अगर आप मेल यूज़ कर रहे हैं, मेल अटैचमेंट कोई है, कोई ऐसा अटैचमेंट वर्ड फाइल जो कि .xe, doc.exe, pdf.xe ऐसे लग के आ रहा है, एक्सिक्यूटेबल फाइल बन के आ रहा है, तो ऐसी फाइल को ना खोलें, ये वायरस हो सकती है, वायरस ऐसे ही फॉर्म में आता है, तो इस फाइलों को ना खोलें, और इसी फाइल को खोलने से आपके इंटरप्टर हो सकता है। सबसे लास्टली बात करें, अगर हम रैमसमवेयर जो लेटेस्टली चला रहा, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, उनके लिए भी रिलीज कर दिया, जैसे विंडो XP है, विंडो 7, विंडो 8, जिनका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया था, उनके लिए भी पैच रिलीज कर दिया है, आप उनको पैच को डाउनलोड कर ले और इस वॉर्म से आप बच सकते हैं। कैसा लगा आपको टॉपिक, क्या फीडबैक है अपना, कमेंट बॉक्स में नीचे नीचे लिखिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का एक सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है, उस क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन उसको दबा लें, जिससे आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। थैंक यू, गुड डे।